लोग दूसरा नंबर जी पानी की समस्या उत्थे बांदर ना वाले कुत्ते ना वाले जरा मैं पहले भी आख्या 10 बाई 10 खूह कट्टो डूब के मतलब जेदे लोकें की थोड़ी कोई बेनीफिट हो जनाब गै करी सकते अस नहीं करी सकते अस जनाब अगे एक रिक्वेस्ट है सारी जिथे जिथे पानी की बिजली की जो भी है समस्या वो जनाब ने गै पूरी करनी साढ़े कोला नहीं हो सकती चर्च में इन्ना गै बड़ा स्वागत है जेडे जनाब के दर्शन होए जेडे जनाब आए साढ़े कोल हुण केवल होर जीती है उन्हें साढ़े कोल कैसी आना कोई डर नहीं पंजे साल की गल है कोई बड़ी गल नहीं है मैं अज महीना ही जा सकते मैं कहीं चोरी नहीं लगा रखा मैं महीना ही जा सकते मेरे बच्चे खड़ोता वो कही गल अगर करसा हो सवारियां हो सारियां थोड़ी ना मिगे बी बोलने दिते अगर जनाब जी बोल दिते कल पुछना तो है ना जनाब जनाब दसो अहें केड़े रस्ते जाना तो इस करिए जनाब मैं सारे को माफी मंगू अगर कोई गलत गल हो मैं थोड़े को क्षमा मंगू मिगी संदेड़ी का फोन आना स्टार्ट होए गोदड़ का फोन आना स्टार्ट होए जिहड़े मुड़े टाटा मोबाइल रखी दी उन्हें स्टार्ट किए असं अगर एक मंझ साड़ी रिश्तेदारी कालीधार के पली साइड चौकी चोरे भी है कुटुंब वाले इलाके में अगर उतो अस एक मंझ आने भावना चौंक में जाने पुलिस वाले असं पकड़ लिया जब पुलिस वाले पकड़ लिया तो तुम्हें लोगों फोन करना सरपंचे की या पंचे की कि भाई गल इं असें मंझ लेतरा लेनी ही तो असं पुलिस वाले पकड़िए परमिशन मंगा ली बोला तुम दसो मैं तुम्हें उत्थे भेजू रियासी परमिशन लैंड भेजू जब मैं कहने जाऊं मैं तो नहीं चली सकता मैं नहीं चल सकता क्योंकि जब ये जो मेरा स्मूथली काम चला रहा मेरी पंचायत स्मूथ फंक्शन करा दी है उत्थे मेरी जो डिस्टर्बेंस आवा दी जनाब तो फिर मैं खिदमत क्यों करनी है यह जो परसों चौथ का रिएक्शन हो मैं जनाब तुम्हें कल पूछा कि तुम्हें है मैं आख्या मैं नहीं इन्ने है बाकी जनाब इं मैं सुननी आवा फंडिंग भी आवा जब फंडिंग आई तो फिर असं की लगना फिर असें कैसी बोल दिता ये मैं दुखा कन्नै बोला ना भी कोई वो नहीं है जनाब मकान भी आया मैं उदा सरपंच ना हा मेरा कोई पता नहीं पहली इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपया ये अकाउंट में पा उड़ी डिपार्टमेंट ने यदि स्टोरी यह है कि यदि मदर नहीं है ये फादर साहब एज पर द कोर्ट फ्रॉम द रिलीजियस ये फादर साहब नमस्ते ये फादर साहब मुड़े दे 7-8 साल घर गए नहीं आए कुछ ने सोचा कि हो गया कुदर गए कोई पता नहीं उसके बाद जनाब अल्टीमेटली जो नाम हो बेनीफिशरी का फिर नॉमिनी इस्तेमाल किया इसका नाम चलिया 50,000 रुपया डिपार्टमेंट ने दौड़े और बाद कोई सूद नहीं लगी नैक्सट टाइम की होया सर इस बंद ने पंथ भरिया एज पर गाइडलाइन जी पहली इंस्टॉलमेंट करने वो जियो टैगिंग हुई जो भी होया डिपार्टमेंट ने किया अस जल्द सरपंच बने तो मेरे नोटिस बेचे तो मेरी कुछ ने नहीं सुनाया नहीं सुरेश होरें सुनाया नहीं डिपार्टमेंट ने सुनाया कुछ ने सुनाया अज तो 5-6 महीने पहले सुरेश होरें डिपार्टमेंट की आखी है 50,000 की दूई किस्त बहुत ठीक है उस टाइम क्या किया सर 17-18 में इन्हें अपनी सिस्टर का ब्याह कराना यह पंथ भरोई आ दीवारा भी गई लेकिन अगे डिपार्टमेंट ने पैसे नहीं दिते इन्होंने बारे अपने को पैसे खर्चिए टीम पाऊगी जबरदस्त टीम पाऊगी दो कमें पाऊगी बाद जिन्हें अपनी सिस्टर का ब्याह कराया उसके बाद इन्हें अपना ब्याह कराया फिर ये बापू और भी आए वो कुछ आश्रम ही जब कुछ यदि पेमेंट बाकी पेंडिंग ही 50,000 रुपया सुरेश होने पाया 5-6 महीने पहले वो पेमेंट जनाब सरपंच नहीं करता ऑनलाइन पेमेंट करता जिन्हें पैसे आए अजकल तो सीधे अकाउंट जनाबी जी अज तो 15-20 दिन पहले 15 दिन पहले
ग्राउंड सेफ मैडम मिगी फोन करती के सरपंच सर इस तरह कोई कंप्लेन हुई है, बीडीओ साहब ने 2 घंटे अंदर जवाब मंगिया कि विपिन कुमार का हाउस जेड़ा है वो गलत तरीके ने बने दा नहीं बने दा नहीं गोदर दुकाने दी जियो टैगिंग हुई थी 2 लाख रुपया अमाउंट जेड़ा है ये खाते में पाओ गया। मैं कहा जी हूज द कंप्लेन है, मुलाजिम नहीं बोलता। मैं क्या ऐ नहीं तुसे वेरीफाई करिए दी रिपोर्ट। मैं जी मैं आया हूँ, अस गए पहले कमल हुंदे खरोटी स्कूल में जिस तरपाल दिता ही है, फिर गोदर के गोदर के जेडे मोजिज लोग चाचा जी मेरे 2 चाचे और काकू शाह जी लंबरदार साहब चौकीदार साहब सुरेश जी सारे बंदे मुकर गए जनाब मकान अगे बने। उहदे बाद विच असीं उत्थे इक रेजोल्यूशन पाया और मैं चिट्ठी लिखी, मैं पूरा इहदा ब्यूरा कढ़िया उहदे च दिखिया इहदा टोटल अमाउंट जिहड़ा हा सेंक्शनड अमाउंट जिहड़ा 1,47,000 था, जिहदे च पेमेंट डिपार्टमेंट ने कीती दी है इस मुंडे की 1,00,000 रुपया कीती दी है और जनाबी इहदे 47,000 रुपया पेंडेंसी है। टिल दिस टाइम मकान बने वाला है, ग्रां दे लोकें फिर मैं उत्थे 4 लाइनां लिखियां कि मैं इत्थे आया इत्थे इहदा मकान बने दा लोक एक इलाका दे इहदा पैसा पिया दा डिपार्टमेंट कोल जिहड़ी आडिट डिपार्टमेंट कोल इहदा नां जिहड़ा इनलिस्टड है पैसा सिस्टमैटिक तरीके कन्नै इत्थे होइदा जिहड़ा प्रोसेस होंदा है जियोटैगिंग प्रोसेस ओह बराबर होइदा है और पेंडेंसी इहदी 47,000 है जो मैं समझिया ओह लिखिए दित्ता सुरेश कुमार नूं लिखिए दित्ता कि हाउस जिहड़ा कंस्ट्रक्ट होइदा इन माई प्रेजेंस होइदा इन स्टैंप लाइक बाकी मोजिज लोके साइन करिए जनाब उस सोचे बाद खत्म हो गया। ओह्दे बाद में जनाब 15 दिन पहले 4 दिन पहले उस दिन में माइंड बनाया जनाब सर, लेकिन मैं अपनी अपने पुत्री की गल करना, यह परसों भी बड़ा परेशान था, अखबार ही बड़े परेशान थी। यह जनाब मेरा रेजिग्नेशन पंचायत का, यह डीसी में परसों मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मेरी पहली आरटीआई की लगनी है, मैं तुम्हें दसना चाहता भारत माता की जय। मेरी भी एक समस्या है जो हमारी रोड की समस्या है। मेरे फादर साहब है फादर इला, उन्होंने काफी देर पहले ये चलाया था 1998 शायद तब की बात है, तो इसका कुछ भी नहीं हुआ है। ये रोड है मेन रोड टू ललियालगढ़ जी जी हमारे बिहार से, तो ये समस्या तो अभी तक ये चल रही है, फाइल इधर उधर घूम रही है, इसका कोई भी कुछ नहीं है। तो हर बार मैं आती हूँ यहाँ पे, जो भी कोई आता है उनको बताती हूँ, लेकिन ये इसकी रोड की लेंथ है इसकी 1 किलोमीटर लेकिन ये कुछ भी इसका हल नहीं हो रहा। मेन रोड टू ललियालगढ़ से अपना ध्यान आपको रखना। देखो गवर्नमेंट भी एक हद धोड़ी करी सकती, एक लिमिट धोड़ी करी सकती। कि देर गवर्नमेंट 80 लाख लोगों की खिलाना कोई मूली गल नहीं, बड़ी बड़ी कंट्रियां आस्ट्रेलिया जेडे अपने फ्रांस वह भी हाथ खड़े कर मोदी जी ने अपने लोगों ही भुखा नहीं सौंप दिता घट प्रकाशन। तो मैं इे आखंग अस प्रकाशन लैने अस दुए भी ये जरा समझाना। तो दूआ मास्क जरा हर बंद ने पाइए रखना, मास्क तुसें बच्चे भी समझाना, मास्क के एक प्रोटेक्शन है, दूआ सैनिटाइजर कोई अपनी जेब च जरूर रखी लैना एक निकाला कोई भी हो। देखो मैं भी हर वेला रखा हूँ, ने आपको पूरा ब्यूरा दिया 14 FC 15 FC का क्या कारण है, आप पंचायत बांबला में आए हो पूरा लेखा जखा देने का क्या कारण है? देखिए आज यहाँ पे जो अपना बांबला की पंचायत घर में आज एक कार्यक्रम रखा हुआ था यहाँ, जिसमें हमारे पंचीज और सरपंच और कुछ प्रमुख जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। तो अनिल जी ने जो अपने काम जो अपने दौरान उन्होंने किए वो सारे बताए उन्होंने, पर यहाँ पे एक छोटा सा मसला जो है एक न्यूज़पेपर में किसी ने जो है एक गलत न्यूज़ लगा के और अनिल जी के खिलाफ़ एक
छोटी सी उसमें गलत रिपोर्ट उसके किया हुआ था, जिसको अनिल जी ने बताया। और मैं भी आपको यही कहता हूँ, प्रीमा फेसाई देखने से यही लगता है कि ये बिल्कुल झूठा ये सारा मसला है, क्योंकि आज तो इतनी पारदर्शिता है, आप जानते हैं ट्रांसपेरेंसी है, और जो मकान जिसका वो आया हुआ था वो खुद उसमें वहाँ पे हाजिर था, और वो पैसे उसने वहाँ पे लगाए हुए हैं, और दो किस्तें उसमें आई हैं, एक किस्त अभी बैलेंस है, वो भी आएगी उसमें, वो मसला कुछ भी नहीं है। बाकी अनिल जी ने जो है अपने कार्यकाल में जितने भी काम किए हैं वो सारे गिन के बताए, जितने भी वार्डों में काम हुए हैं वो भी सारे उन्होंने बताए। तो बड़ा अच्छा, इन्होंने बड़े मेहनती और कर्मठ मैं कहूँगा एक सरपंच हैं, जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटे लोगों में रहते हैं, और इसके अलावा उन्होंने और कोई भी अपना कोई धंधा नहीं रखा है, तो लोगों के साथ ही उनका उठना बैठना है, लोगों के साथ ही कंधा से कंधा मिला के वो चलते हैं। लोगों की नाराजगी देखने में आ रही है कि DDC चेयरमैन जहाँ पे नहीं पहुँचे हैं वो देखिए छोटी मोटी नाराजगी ये चलती है। जो केवल जी के लिए ये नाराजगी है कि वो आज आए नहीं, बेसिकली केवल जी की मिसिस जो है वो बीमार हैं, और काफ़ी सीरियस उनको प्रॉब्लम जो है, काफ़ी मैं कहूँगा कि बड़ी प्रॉब्लम उनको है, और उनको बार बार वो जो है लेकर हॉस्पिटल भी उनको जाना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं उनको, और भी इलाज के लिए ले जाना पड़ता है, तो इस कारण थोड़ा सा उनका लोगों के बीच में आना कम हो रहा है। तो लेकिन मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ वो बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे, और क्योंकि लोगों ने उनको जिता के भेजा है, लोगों के नुमाइंदे हैं, तो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो ज़रूर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे।